आज मैं इस लेस से बहुत ही खूबसूरत सा एक लटकन का डिज़ाइन शेयर करूंगी आपके साथ। ये देखिए, इसके एक साइड से 6 और एक साइड से 10 स्टोन लेकर मैंने इसको कट कर लिया है, क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे ना तभी यह स्क्वायर फॉर्म में आएगा। ये देखिए, इस तरह से आप फैब्रिक ग्लू लगा दूंगी इसके बैक साइड में। हल्का हल्का ही लगाना, क्योंकि जब हम ज़्यादा लगा देंगे ना तो इसको जब मैं फोल्ड करूँगी तो ये ना बाहर निकलेगा, इसलिए आपको हल्का हल्का सा ही लगाना, ये उसी में ही पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से एक स्क्वायर बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ मैंने ली है बीट कैप, कुछ मोती, ये घुंघरू, और ये सब ना मैंने जो राखियाँ होती हैं ना उसमें से निकाला है, जो पुरानी राखी होती हैं उसमें से निकाल के इसको रख लिया था, तो इसी की हेल्प से मैं इसको बना रही हूँ। अब ये देखिए, इसके एक कोने से मैंने धागे की हेल्प से इसको सिक्योर कर लिया है। अब मैंने इसमें मोती डाला, बीट कैप डाली, और ये जो भी है ना घुंघरू को छोड़कर बस मैं इसको सारों को इसमें धागे में डाल दूंगी, और इसी धागे से मैं इसमें जिस दुपट्टे में मुझे इसको लगाना है मैं उसी से इसको सिक्योर कर लूँगी। ये देखिए, लेकिन ये घुंघरू है ना ये मैं बाद में लगाऊँगी। अब ये दुपट्टे में मैं इसके एक कोने में लगाऊँगी, और ये मैंने चारों कोने में इसको बनाकर रेडी किया है। और ये देखिए, अभी ना जब मैंने इसको काटा तो इन धागे धागे से बाहर निकल आए थे, तो मैं इसको लाइटर की हेल्प से इसको बर्न कर दूंगी। ये देखिए, अब ये जो घुंघरू है ना इनको दोनों को एक साथ लूंगी और इसको पक्का वाला नॉट लगा दूंगी। अब इसके दूसरे कोने पर मैं इसको लगा दूंगी। ये देखिए, इस तरह से ये बिल्कुल हमारी हैंडमेड लटकन बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए, और ये मैंने चारों कोनों पर लगाई है इसको। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।